अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने अपने हेयर थोड़े कवर किए हुए हैं, तो वो मैंने इसलिए कवर किए हुए हैं क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क अप्लाई किया था और मैं अब अपने हेयर जो है वो थोड़े प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर डाई भी अप्लाई करना है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हेयर डाई आप घर में कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदा पार्लर्स जाके आप लोग जो है वो इतना ख़र्चा करें, जो काम आप लोग ख़ुद कर सकते हैं वो आप लोग किसी और से क्यों करवाएँ। राइट, ओके जी। तो अब ये जो हेयर मास्क है ये अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपने एक स्मूथ सा बैटर बनेगा इसका, उसके इंग्रेडिएंट्स अपने पास नोट डाउन कर लें। 1 टेबलस्पून आप लोग कोई सा भी कंडीशनर ले लेंगे, उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून्स उसके अंदर जो है सॉफ्ट बटर लेना है, मेल्टेड नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, फ्रिज का निकला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्मूथ हो और सॉफ्ट हो, वो आप इसके साथ मिक्स करेंगे। प्लस आप इसमें 1 टेबलस्पून ही आप विनेगर जो है वो डालेंगे, उसको मिक्स कर लें इसके साथ। और उसके बाद जी आपने इसमें फाइनली क्या डालना है, यस, आपने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ही मिल्क डालना है। ठीक है, मिल्क जो है आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, रॉ मिल्क ले लें, फुल फैट क्रीम मिल्क ले लें, या आप ऑलपर्स का मिल्क ले लें, कोई भी आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, उसके बाद आप इसको अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टिप से नहीं लेना, आपने टिप से नहीं अप्लाई करना, आपने थोड़ी सी लेंथ के हिसाब से करना है। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छी तरह से बांध के उसको कवर कर लें और उसके बाद आप इसको 30 मिनट्स बाद वॉश करेंगे। जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे, अच्छा आपने प्रॉपर सेक्शंस बना लेने, ये नहीं कि आप ऊपर से नीचे तक सारा एक साथ लगा रहे, सेक्शन वाइज आप करिएगा। और उसके बाद जी आपने 30 मिनट्स बाद इसको रिंस कर लेना है और ठंडे पानी के साथ करिएगा। ठंडे पानी से ना, वैसे आजकल के मौसम में तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठंडा पानी इज़ गुड फॉर योर हेयर और उससे आपके बालों की शाइन भी नहीं जाती और आपके बाल अच्छे रहते हैं। तो जी अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जो मैंने अप्लाई करने के बाद, वॉश करने के बाद और अपने हेयर ड्राई करते टाइम जो है वो वीडियो क्लिप बनाई थी। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आप पहले क्लिप देख लें फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके जी जी, तो व्यूअर्स ये देख लें, मेरे बालों का टेक्सचर जो है ये थोड़ा सा वेवी है, लेकिन ये कितने स्मूथ और कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, मुझे इस टाइम लग ही नहीं रहा था मेरे अपने बाल हैं। और आप प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह हाफिज़।